नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सेल्स मेन्यू के बारे में। सेल्स मेन्यू के अंदर किन किन ऑप्शंस का क्या क्या यूज होता है आज हम वो जानेंगे। बाकी के सभी मेन्यूज के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो देखनी है तो आप हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जा करके इन वीडियोज को देख सकते हैं। हमने क्लिप बोर्ड से लेकर के फॉन्ट, अलाइनमेंट्स, नंबर्स, ये सभी मेन्यूज के बारे में यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। चलिए आज हम अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आप क्लियर करेंगे सेल मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और कितने इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं और इनका क्या क्या यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इंसर्ट सेल की, अगर आप अपने डेटाबेस में से किसी डेटाबेस में कहीं पर सेल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इजिली इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली उस जगह पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल जा करके इंसर्ट के अंदर और इंसर्ट सेल पे सिंपल क्लिक करना होगा। आपको सिंपल यहाँ पर करना क्या है, ओके कर देना है। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपका सेल इंसर्ट हो चुका है। हम कंट्रोल जेड करके वापस पीछे चले जाते हैं। पीछे जाने के बाद हम वापस से अपने मेन्यू के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंसर्ट शीट रो, यानी अगर आपको रो इंसर्ट करनी है तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल रो को सिलेक्ट करना है। इस तरीके से हमने इस रो पर क्लिक किया, आप देखेंगे मोहन के इस वाले सेल पर हमने क्लिक किया है जिससे हमारी पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो गई है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जा करके इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका रो इंसर्ट हो चुका है। आप किसी डेटा को अगर यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो इजिली आप इसे ऐड कर सकते हैं। हम कंट्रोल जेड करके वापस इसे पैक कर देते हैं। इसके बाद अगर आप किसी कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करिए और नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर आप देखेंगे आपका नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट शीट कॉलम। इंसर्ट शीट कॉलम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका कॉलम भी एक इंसर्ट हो चुका है। तो इसको भी अगर आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने डिलीट के ऑप्शंस हैं। आप डिलीट पर जैसे क्लिक करेंगे डिलीट शीट कॉलम पर तो ये डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा, यानी जिन चीज़ों को हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर डिलीट करने का भी ऑप्शन हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी हमारे पास तीन शीट्स हैं, तो इनों शीटों में से अगर हमें एक एक्स्ट्रा शीट चाहिए तो या तो आप प्लस वाले निशान पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने प्लस का एक निशान है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक शीट इंसर्ट हो जाएगी। और अगर आप इस मेन्यू के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और इंसर्ट शीट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इंसर्ट शीट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपकी एक और शीट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो शीट को यहाँ पर सिलेक्ट करके रखिए और यहाँ पर जाकर के उसे डिलीट कर दीजिए, वो डिलीट आपका हो जाए। तो ये थे ऑप्शंस हमारे इंसर्ट्स के एंड डिलीट्स के। अब मेन टॉपिक आता है हमारा फॉर्मेट्स का। अब फॉर्मेट के अंदर आप देखेंगे आपके सामने सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है रो हाइट का। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने सेल्स की रो की हाइट को इनक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम चले गए फॉर्मेट टैब के अंदर। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया रो हाइट। रो हाइट पर जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पर हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पर जो रो की मिनिमम हाइट होती है वो 15 mm होती है बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसे इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर ये इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने कर दिया इसको 20 करने के बाद जैसे मैं इसे यहाँ पर ओके करूंगा, ओके करने के बाद आप देखेंगे आपके डेटा की जो हाइट थी वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। एज कंपैरिजन आप यहाँ पर देखेंगे इसकी सेल की हाइट यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है। इन सभी सेल्स की हाइट नॉर्मल है और इन सभी सेल्स की हाइट यहाँ पर 20 हो चुकी है। इन सभी सेल्स की जो हाइट है वो 15 mm है। यहाँ पर अगर आप इस डेटा की बात करें तो यहाँ पर इसकी सेल की हाइट जो थी वो 20 mm हो चुकी है। इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो वापस से डिफॉल्ट साइज में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पर आपको वापस से फॉर्मेट पे जाना होगा। और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा एक ऑप्शन है आपका ऑटो फिट रो का, यानी इस ऑटो फिट रो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो साइज था ये देखिए डिफॉल्ट साइज में यहाँ पर एडजस्ट हो गया। तो इससे आप अपने सेल्स के हाइट को इंक्रीज एंड ऑटो फिट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कॉलम्स विथ की, तो यहाँ पर कॉलम विथ में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम की जो विथ है वो 8.43 mm होती है। अगर आप इसे इंक्रीज करना चाहें तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। जैसे हमने 10 ले लिया, 10 लेने के बाद जैसे हम इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे इसकी कॉलम की जो विथ थी वो यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है, जैसे कि आपकी रो की इंक्रीज हुई थी। उसी तरीके से आप इसको ऑटो फिट करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये वापस से ऑटो फिट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो डेटा था वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो गया, तो इसमें बाय डिफॉल्ट ऑटो फिट करने का जो बेनिफिट होता है हमारा, जितना भी हमारा डेटा होता है उतना ही स्पेस यहाँ पर ये लेगा। अगर हम डेटा को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो यहाँ से हम इसे वापस से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा डिफॉल्ट विथ का। इसको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारा डिफॉल्ट विथ का। इस डिफॉल्ट विथ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बताएगा इसका जो एक्चुअल साइज होता है, यानी इसकी जो विथ की साइज होता है वो 8.43 mm होता है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी चेंजेस यहाँ पर
नहीं हुई है। इसका रीज़न ये होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें डिफ़ॉल्ट साइज़ बताता है, इसका कोई यूज़ नहीं होता, बस ये डिफ़ॉल्ट साइज़ हमें बताता है कि जो कॉलम का डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो कितना होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है हाइट रो का, हाइट कॉलम्स का, हाइट शीट्स का, अनहाइट रो का, अनहाइट कॉलम का और अनहाइट शीट्स का। तो एक एक करके हम समझते हैं इसको। सबसे पहले हाइट रो, अगर हाइट रो की हम बात करें तो यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की आपको नज़र आ रही होगी, कंट्रोल प्लस 9 से आपका ये जो डेटा है वो हाइट हो जाएगा। जिस डेटा को आप सिलेक्ट करके हाइट करना चाहें उस डेटा को यहाँ पे आप हाइट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा डेटा यहाँ पर रहने के बावजूद भी हाइट हो चुका है। आप यहाँ देखेंगे हमारा सेल नंबर जो है वो A1 होना चाहिए, A1 से हमें स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो सेल नंबर है वो A1 से हमें स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन A1 से स्टार्ट हमारा नहीं है, यहाँ देखेंगे 7 से स्टार्ट है, क्योंकि इसके अंदर अभी हमारा डेटा छुपा हुआ है, यानी कि हाइट है। इसको हम वापस से अनहाइट करेंगे। तो अब इसे अनहाइट करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है, ये एरो सा, ये एरो आपको दिखाई दे रहा है। इस एरो पर आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा। जब आप इस एरो पर क्लिक कर देंगे तो आपकी पूरी शीट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद अब आपको जाना होगा कहाँ पर, आपको जाना होगा फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर, यहाँ से हाइड ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अनहाइड रो का। इस अनहाइड रो पर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे हमारा जो डेटा था वो यहाँ पर शो अप हो गया। जब तक कि आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका डेटा यहाँ पर शो अप नहीं होगा। तो ये था हमारा हाइड रो। इस तरीके से आप अपनी रो को हाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने कॉलम्स को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब में जाइए, यहाँ से जाइए हाइड ऑप्शन पर और यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये डेटा यहाँ पर हाइड हो चुका है, आपको सिर्फ सीरियल नंबर और हिस्ट्री के मार्क्स दिखा रहा है, बाकी कोई भी डेटा हमारे यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इसको वापस से अनहाइड करना है तो सिंपली आपको इस वाले पॉइंट पर क्लिक करना होगा। इस पॉइंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वापस से जाना होगा आपको फॉर्मेट टैब के अंदर, हाइड एंड अनहाइड ऑप्शंस पे जाना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा आपका अनहाइड कॉलम्स का। इस अनहाइड कॉलम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा आप देखेंगे वापस से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये था हमारा हाइड, अनहाइड रो और कॉलम्स। अब अगर हम बात करें शीट्स की तो शीट किस तरीके से हाइड किया जाता है उसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे वापस से आप इसी ऑप्शन पर और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा हाइड शीट का। इस हाइड शीट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारी वो शीट जो थी वो यहाँ पर हाइड हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपकी वो शीट यहाँ पर शो अप नहीं हो रही। अब हमारे पास जो शीट्स आ रही हैं वो सिर्फ दो शीट्स आ रही हैं, एक डेटा की और एक स्किप ब्लैंक की। तो ये दो शीट्स हमारे पास शो अप हो रही हैं, तीसरी जो शीट थी हमारी वो यहाँ पर नहीं शो हो रही है। तो उसको शो किस तरीके से कराएंगे, उसको शो कराने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करके रखना होगा और इसके बाद जाना होगा वापस से फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर और यहाँ से हमें जाना होगा वापस से हाइट अनहाइट ऑप्शन पर और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा आपका अनहाइट शीट का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो भी शीट यहाँ पर हाइट होगी उसका नाम यहाँ पर आपके सामने शो अप कर देगा। इस वाली शीट को आप सिलेक्ट करके जैसे यहाँ ओके करेंगे तो आपकी वो शीट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को हाइट कर सकते हैं, अनहाइट कर सकते हैं और अपने रो और कॉलम सेल्स को हाइट अनहाइट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। किसी डेटा को अगर आप अपने हाइड करना चाहते हैं, किसी डेटा को आप किसी से छुपाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रिनेम शीट्स की तो आप यहाँ पर चाहें तो अपनी शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आप अपने इस डेटा को यहाँ पर रिनेम कर सकते हैं, ऑपरेशन की जगह आप यहाँ पर कुछ और लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, उस पर आप कट करिए और कट करने के बाद यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया डेटा 2 और उसके बाद एंटर प्रेस किया, यहाँ देखिए आपका ये नाम चेंज हो चुका है। और इसको वापस से आपको चेंज करना है तो आप वापस से इसी ऑप्शन पर जा करके यहाँ से रिनेम कर सकते हैं। यह एक ऑप्शन और मैं आपको बता देता हूँ, इसी के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आपके सामने रिनेम का एक ऑप्शन यहाँ पर शो अप हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप चाहें तो इसको रिनेम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा रिनेम के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मूव और कॉपी शीट, यानी ये होता क्या है, ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने का काम करता है। अब ये किस तरीके से मूव होता है इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद होगा क्या, आपका एक ऑप्शन ओपन होगा। अब डेटा 2 हमारी ये वाली शीट है और इसे हम चाहते क्या है, मूव टू एंड, यानी एंड में चाहते हैं या होम पर चाहते हैं, यानी आप सबसे शुरू में चाहते हैं या बिल्कुल एंड में चाहते हैं। तो ये डेटा हमारा जो है वो पहली वाली शीट है, स्किप ब्लैंक दूसरी वाली शीट है, डेटा 2 जो है हमारी यही शीट हमारी मूव होगी। अब ये एंड में आपको मूव करनी है, कहाँ मूव करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ डेटा टैब, डेटा टैब को सिलेक्ट करके मैं जैसे यहाँ पर ओके करूँगा तो ओके करते ही आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो डेटा था वो डेटा 2 यहाँ पर हमारे इस जगह पर था और अब ये कहाँ पहुँच गया, डेटा से पहले पहुँच गया। आप देखिए ये डेटा से पहले यहाँ पर
पहुंच चुका है। यही काम आप बिना ऑप्शंस के भी कर सकते हैं। इसे डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो आप सिंपली करेंगे क्या, आप सिंपली उस डेटा को यहाँ से क्लिक करके रखेंगे और ट्रैक करके इस तरीके से उठा करके ला करके आप यहाँ पर छोड़ देंगे, तो वो डेटा आपका वहां से उठ करके यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका ऑप्शन है टैब कलर्स, यानी आप अपने इस टैब का कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी डेटा शीट आपके सामने यहाँ पर नजर आ रही है इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया येलो, येलो कलर लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो डेटा टैब का मेन्यू है उसका कलर येलो हो चुका है। जैसे हम स्किप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारा जो पोर्शन है वो येलो कलर में यहाँ पर शो अप हो चुका है। तो आप इस तरीके से अलग अलग शीट्स को अलग अलग कलर्स दे सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं आप इसे, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रोटेक्ट शीट। अब ये प्रोटेक्ट शीट क्या है, प्रोटेक्ट शीट किस लिए यूज की जाती है? तो प्रोटेक्ट शीट हमारी यूज की जाती है किसी भी डेटा को प्रोटेक्शन देने के लिए। आप ये चाहते हैं कि आपके इस डेटा के अंदर किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस ना कर पाए तो आप प्रोटेक्ट शीट का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा आपका प्रोटेक्ट शीट का। इस प्रोटेक्ट शीट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अगर आप इन सब डेटा पे टिक करेंगे तो इनसे होगा क्या, सबसे पहले मैं आपको इसमें प्रोटेक्शन लगाना सिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर प्रोटेक्शन यूज करनी है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ पासवर्ड, लाइक मैंने दे दिया 0, एंटर किया तो हमने री एंटर पासवर्ड में फिर से 0 दे दिया और उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद होगा क्या, अब आप देखेंगे यहाँ पर, अब इसके अंदर अगर मैं कोई भी डेटा टाइप करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा तो ये मुझे डेटा एडिट करने की कोई भी परमिशन नहीं देगा। अब मान लीजिए हम परमिशन देना चाहते हैं कि इसमें से सिर्फ वो नंबर्स को चेंजेस कर सकता है, बाकी किसी भी डेटा को चेंजेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले हम प्रोटेक्शन को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, यहाँ से जाते हैं वापस से अनप्रोटेक्ट करते हैं इसको और पासवर्ड दे करके इसको अनलॉक कर देते हैं। अनलॉक करने के बाद आपको करना क्या होगा, जिस भी डेटा पर आपको परमिशन देनी है कि भाई वो उसमें चेंजेस कर सके तो उस डेटा को पहले आपको सिलेक्ट करके रखना है। सिलेक्ट करके रखने के बाद आपको जाना होगा फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा लॉक सेल्स का। यहाँ देखिए एक ऑप्शन है हमारा लॉक सेल्स का। इस लॉक सेल पर जैसे आप क्लिक करेंगे इतना जो एरिया था हमारा ये अनलॉक हो जाएगा, यानी इतने एरिया के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर फिर से प्रोटेक्शन लगा देते हैं। डेटा को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से गए फॉर्मेट के ऊपर और यहाँ से प्रोटेक्ट शीट पर हमने क्लिक किया और अपना पासवर्ड वापस से हमने यूज कर लिया। यूज करने के बाद अगर हम यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे तो देखिए हमें परमिशन नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम कुछ भी चेंजेस करना चाहें तो ये हमें चेंजेस करने की परमिशन दे रहा है। तो यानी जितना डेटा हमने अनलॉक किया हुआ है इस डेटा के अंदर हम छेड़खानी कर सकते हैं, इस डेटा के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज कोई भी डेटा अगर हम टाइप करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें साफ मना कर देगा, उसके अंदर कोई भी डेटा हमें छेड़ने की परमिशन नहीं है। अब उन ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अनप्रोटेक्ट करिए एक बार डेटा को फिर से और उसके बाद वापस से हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद फिर से जाते हैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर यूज करते हैं प्रोटेक्ट शीट का। अब प्रोटेक्ट शीट के अंदर आप देखेंगे आपके सामने जो ऑप्शंस यहाँ पर नजर आ रहे थे जिसमें आपका ऑप्शन था सिलेक्ट लॉक सेल्स, सिलेक्ट अनलॉक सेल्स, फॉर्मेट सेल्स, यानी फॉर्मेट सेल पर अगर हम क्लिक कर देते हैं, फॉर्मेट कॉलम्स पर हम क्लिक कर देते हैं, फॉर्मेट रो पे हम क्लिक कर देते हैं, इंसर्ट कॉलम पे हम क्लिक कर देते हैं, इंसर्ट रो पर हम क्लिक कर देते हैं, तो ये सारी की सारी जो परमिशंस हैं ये परमिशंस हमने इस पासवर्ड में दे दी हैं, यानी ये सभी चेंजेस हम इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा के साथ हम किसी तरीके की कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। तो मैं आपको दिखाता हूं करके, इसमें हमने कोई भी पासवर्ड दिया वापस से और पासवर्ड देने के बाद कन्फर्म पासवर्ड दे करके इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने जो इसमें परमिशन दी थी वो दी थी इसकी फॉर्मेटिंग की, तो हम चाहे तो इसकी फॉर्मेटिंग को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मेट पसंद नहीं आता तो यहाँ से आप फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेट चेंज हो गया हमारा। और अगर हम यहाँ पर इसके नंबर के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें देखिए साफ मना कर दे रहा है। इसके डेटा के साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे तो ये साफ मना कर रहा है। इस नंबर की हमने परमिशन दी हुई है, इसके अंदर हम जो भी एडिटिंग करना चाहें वो इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी डेटा की हम परमिशन यहाँ पर देते हैं वो डेटा हमारा यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। हमने सेल्स इंसर्ट की भी परमिशन दे रखी थी, तो यहाँ पर क्लिक करके जैसे हम सेल को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ देखिए सेल इंसर्ट हो जाएगा। सेल को डिलीट करने की हमने परमिशन यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो इस वजह से ये सेल हमारा डिलीट यहाँ पर नहीं होगा, डायरेक्टली शीट आपकी डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, सिक्योरिटी के साथ आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जाना होगा वापस से फॉर्मेट वाले सेल पर, यहाँ से अनप्रोटेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको पासवर्ड दे करके इसको वापस से अनलॉक कर देना होगा, उसके बाद आप इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन था हमारे एक्सेल का, जो कि हर एक कंपनी इसे यूज करती है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई भी उनकी फाइल के साथ, कोई भी उनके डेटा के साथ छेड़खानी ना कर पाए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ, आप देखेंगे सबसे नीचे का जो ऑप्शन है हमारा वो है फॉर्मेट सेल का। इस फॉर्मेट सेल पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे
हमारे सामने जनरल सेटिंग्स वापस से ओपन हो जाएंगी और यहाँ पर भी सेम वही प्रोटेक्शंस के ऑप्शन है, लॉक करना, अनलॉक करना या हाइड करना, ये आप यूज कर सकते हैं। बाकी फिल्स के ऑप्शंस वही हैं, कलर्स वगैरह फिल करना, बॉर्डर का कलर फिल करना, फॉन्ट, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बता दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक के डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो डाल दी है, वहां से इसे देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, सेल्स के मेन्यू के बारे में मैंने आपको कंप्लीटली नॉलेज दे दी है। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके बारे में एक दोबारा से वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।